Hi, I'm Richard. Welcome to my channel. मेरी तरफ से सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर 2020। क्या आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी पता है ये न्यू ईयर 2021 है, बट फॉर अ फ्यू मिनट्स जरा सोचो, अगर ये न्यू ईयर 2020 होता तो मैंने कई मीम्स भी देखे थे ईयर 2021 को लेकर, लाइक बट फिर भी एक बार इमेजिन कर कर देखो। अब कुछ लोगों के ये सोचने से ही डर लग रहा है, क्योंकि ये साल हमारे काफ़ी तकलीफ भरा था, ये COVID-19, कोबी ब्रांड की डेथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लॉकडाउन ने तो सबकी वाट ही लगा दी थी, सबका घूमना फिरना बंद और ऊपर से घर वालों के डांट लग। हमारे एग्जाम्स ख़त्म होकर न्यू सीजन स्टार्ट होने ही वाले थे, बट थैंक्स टू मोदी जी जिन्होंने लॉकडाउन करा दिया। थोड़े समय के लिए मैं बेफिक्र हो गया था, पर ये टीचर्स हमारे लेने आ गए थे ऑनलाइन। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एक नया फॉर्मूला, a² + b² = c² आपका तो पता नहीं, पर मेरे सब सर के ऊपर से चल रहा था, और पेरेंट्स भी लाइक अगर घंटों भर गेमिंग करो तो इट्स बैड फॉर योर आईज, और अगर घंटों भर ऑनलाइन क्लास करो तो इट्स फाइन। ये कैसी बात हुई वाला, डू यू थिंक दिस एज अ जोक? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बट इवन दिस सिचुएशंस कुछ लोग थे जो लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे थे। कैसे? ये दो ऐप्स थे ना, खेलते हैं और उन्हें कसे, अबे छोड़ना, एक दिन पढ़ के क्या उखाड़ लेगा। ठीक है, आता हूँ। वेल, मैं गेम्स वगैरह तो खेलता नहीं, पर मेरा काम यूट्यूब और मूवी से चल रहा था। अब इस लॉकडाउन में लोग चार कैटेगरी में बट गए थे। कैटेगरी नंबर 1, जो सुबह 4 बजे उठकर, 4 बजे ओके, जब भी वो सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर ना चाहते हुए भी माता पिता के लिए चाय बनाकर उनको पिलाते थे। इन शॉर्ट, दे कैन बी कॉल्ड संस्कारी कैटेगरी। अब सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो ये वो लोग थे जो इस लॉकडाउन से बोर होकर सोशल मीडिया से नई नई रेसिपीज देकर उसे ट्राई करने वाले। हाँ, कुछ लोग रेसिपीज के अलावा कुछ और नए स्किल्स भी डेवलप कर रहे थे। आई अप्रिशिएट दैट। सो इन शॉर्ट, दिस पीपल कैन बी कॉल्ड एज, सब कुछ ट्राई करो। थर्ड कैटेगरी के लोग वो हैं जो इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे थे। देयर आर अ लॉट ऑफ गेम्स एंड मूवीज। इन शॉर्ट, दिस पीपल कैन बी कॉल्ड मस्ती ज्यादा पीपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो लोग हैं जो इस भयानक सिचुएशन में भी पढ़ रहे थे। यप, इनके पास इतना जोश कहाँ से आया ये मुझे पता नहीं। साहब संदीप सर का कुछ वीडियो देख लिया होगा, तुम्हारे अंदर ताकत है कुछ कर दिखाने की, शायद कुछ इस तरह देखा होगा, या फिर मन में कुछ ठान के रखा होगा। वेल, इन शॉर्ट, दिस कैटेगरी कैन बी कॉल्ड पढ़ाकू कैटेगरी। और रही बात मेरी, मैं थर्ड कैटेगरी में आता हूँ। यप, आई वॉज मस्ती ज़्यादा। सुबह 9 बजे उठकर रिफ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के साथ अच्छी सी एक्शन मूवीज देखकर टाइम पास करना जब तक लंच का वक्त हो जाए, फिर लंच के बाद यूट्यूब और अपने कुछ हॉबीज पर ध्यान देना, फिर वापस डिनर के साथ मूवीज और फिर रात के 2 बजे सोना। बस पूरा लॉकडाउन यही मेरा रूटीन रहा। अब ये कब तक चलेगा मुझे भी पता नहीं। वेल, इसी तरह मैंने ईयर 2020 को बाय बोला और अब 2021 को वेलकम कर रहा हूँ। हाँ, तुम लोग में से कुछ लोग सोच रहे होगे कि मैं ये आज आर्टिस्टिक वीडियो छोड़कर ये नरेटिंग क्यों कर रहा हूँ। वेल, ये बस एक इंट्रोडक्शन था। वो कहते हैं ना, न्यू ईयर में न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखना चाहिए, तो मैंने भी कुछ नया किया। तुम भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो तुम्हारा ईयर 2020 कैसा बीता और तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो
ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके सब्सक्राइब करते रहो। और फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।